सेना हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मुद्दा? देखिए, बॉलीवुड जो है योजनाबद्ध तरीके से हिंदू देवता देवी देवताओं का अपमान लगातार करता रहा है। ताज़ा मामला ये है कि 25 अक्टूबर को बॉलीवुड की एक मूवी जो है रिलीज होने जा रही है, थैंक गॉड, जिसका जो है ट्रेलर रिलीज हुआ है। उसमें हम लोग देखते हैं कि अजय देवगन जो अभिनेता हैं, उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का किरदार निभाया है और बहुत ही बेशर्मी के साथ उन्होंने किरदार निभाया है। पाश्चात्य जो उनकी ड्रेस है उसको देखिएगा, और उसके साथ साथ दूसरे अभिनेता है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी का उस मूवी के अंदर जो है गला पकड़ रहे हैं, तमाम तरीके से अपमानित करने का काम उन्होंने किया है। तो कायस्थ समाज और पूरा हिंदू समाज की आस्था और भावना से खिलवाड़ करने का काम बॉलीवुड ने किया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सेंसर बोर्ड आंखों पर पट्टी बांधकर जो ये बॉलीवुड की मूवी है उनको पास करता है, उनको जो है अनुमति देने का काम करता है? क्यों हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान बॉलीवुड कर रहा है? अब हिंदू आस्था और भावना से खिलवाड़ हिंदू समाज नहीं होने देगा। हिंदू जाग उठा है। हम बॉलीवुड की मूवी थैंक गॉड का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग उनके खिलाफ जो है आस्था को भड़काने का, जो भी अभिनेता हैं, जो भी उसके जो है फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन सब के विरुद्ध जो है हम इन संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करने की मांग करते हैं, और इस मूवी को बैन करने का जो है हम लोग मांग करते हैं। अगर मूवी में से ये इस तरह के आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए, हमारे भगवान श्री चित्रगुप्त जी को अपमानित करने के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो हम लोग जो है और अधिक उग्र प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर उतरकर, और इस मूवी का पूरी तरह से विरोध करेंगे, मूवी को लगने नहीं देंगे। काय समाज।